हाय फ्रेंड्स, वेबकॉट स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, और जानेंगे डिटेल के अंदर कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है और इनमें क्या अंतर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है जिसको भारतीय कंपनी एक्ट 2013 या पिछले किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है। अब जब हम कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, पर पहले ये एक्ट कंपनी एक्ट 1956 का एक्ट होता था। ये कंपनी अपनी इच्छा से बनाए गए व्यक्तियों का एक संघ होता है जिसकी कम से कम पूंजी 1 लाख रुपए होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकती है। प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिक को या आम लोगों को बेचने की अनुमति नहीं होती, और ऐसी सभी कंपनीज को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द इस्तेमाल करना जरूरी होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है जिसको भारतीय कंपनी एक्ट 2013 या पिछले किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है। पहले कंपनी एक्ट 1956 होता था, अब कंपनी एक्ट 2013 हो गया है, तो कोई भी कंपनी अब रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। पर अगर आप देखेंगे पहले वाली कंपनीज कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होती थी। ये अपनी इच्छा से तैयार की गई एक संघ होता है जिसका कम से कम पूंजी 5 लाख रुपए है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की जरूरत होती है, और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी सदस्य हो सकते हैं, इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ऐसी कंपनी में शेयर्स को बेचा जा सकता है और अपने शेयर्स को किसी और के नाम पे ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ये कंपनियां अपने शेयर्स को आम लोगों को बेच भी सकती हैं, और यही कारण है कि इन कंपनियों के नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है। आइए अब हम जानेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की जरूरत होती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए 2 सदस्यों की जरूरत होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 2 सदस्यों के साथ शुरू किया जा सकता है। पब्लिक लिमिटेड में सदस्यों की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 200 सदस्य हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, और ये सार्वजनिक रूप से काम करती है, पब्लिकली काम करती है। इसके विपरीत प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती, और इसका मालिकाना हक इसके मालिकों के पास होता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मुकाबले छोटी कंपनी होती है, और इसके फाइनेंशियल सोर्स भी कम होते हैं। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 इन्वेस्टर होने चाहिए, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 इन्वेस्टर होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में मेंबर्स की मीटिंग बुलाना जरूरी होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा करना जरूरी नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में एनुअल जर्नल मीटिंग, जिसको हम AGM कहते हैं,
एनुअल जर्नल मीटिंग करने के लिए कम से कम 5 मेंबर्स का होना जरूरी है। और प्राइवेट कंपनी के अंदर एनुअल जर्नल मीटिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस जारी करना या प्रोस्पेक्टस की जगह पे बयान देना जरूरी होता है, पर प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, पर प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर को ऐसा करने की छूट नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी से होने वाला प्रॉफिट सरकार को या उसके शेयर होल्डर्स को मिलता है, पर प्राइवेट कंपनी से होने वाला प्रॉफिट उसके मालिकों को मिलता है। विपकॉट स्टडी में आज मैं आपको इस चैप्टर में अच्छे से समझा पाया होऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।